और फ्रंट पेज है तो हम इतना इजीली उसको स्किप नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि फ़्रंट पेज है उसमें कुछ न्यूज़ नहीं है और स्किप हो गया सो बेसिकली विल सी कि फ्रंट न्यूज़ में क्या न्यूज़ है और क्यों वो इम्पोर्टेंट नहीं है ताकि आपको भी ये समझने को मिले सीखने को मिले कि न्यूज़ को कैसे सेलेक्ट करना है उसे कैसे हमें यूज़ करना है सो फ्रंट पेज में पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी न्यूज़ आज इम्पॉर्टेंट है सो so एक ये न्यूज़ है Uh, जो बेसिकली जिसकी हेडलाइन है कि डायरेक्ट टैक्सेस रेवेन्यूज डिफाई लॉकडाउन रेवन्यूज डिफाइड इन अप्रैल सो इस न्यूज में ये कहा जा रहा है कि डायरेक्ट टैक्सेस जो है उनका कलेक्शन इंक्रीज हुआ है तो इस न्यूज को हमें यूज बस ऐसे करना है कि हमें बस ये चीज याद रहे जस्ट बिकॉज कि कोई आपको प्रॉब्लम में कंफ्यूज ना करे एक ऐसा स्टेटमेंट देके कि जो टैक्सेस कलेक्शन था वो रिड्यूस हुआ था ड्यूरिंग द पेंडेमिक टाइम तो आपको ये न्यूज आपने इस हिसाब से पढ़ी है कि आपको ये स्टेटमेंट याद रह जाएगा कि जो टैक्सेस का कलेक्शन था वो प्रॉपर था सेटिसफेक्ट्री था इंक्रीज हुआ था रिड्यूस नहीं हुआ था तो अगर इन केस ऐसा कोई स्टेटमेंट यूपीएससी फ्रेम करता है एग्जामिनेशन में तो यू कैन एलिमिनेट इट अब हम बाकी चीजें जो बाकी आर्टिकल्स हैं उनको भी एक बार देख लेते हैं फील्ड बॉर्डर चौक्स ट्रेव ट्रैवल टू गुरुग्राम ये भी हमें इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए बिल्कुल भी आ, जो पहली न्यूज़ है जो बोल रही है कि लॉकडाउन एक्सटेंडेड टिल मे सेवेंटीन कर्ब्ज स्टे ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस न्यूज़ में बेसिकली ये बताया गया है कि क्या नई गाइडलाइंस एम एच ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू करी हैं कैसे जोनिंग करी है क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जनरल अवेयरनेस के लिए डे टू डे अपडेट्स के लिए पढ़ना है तो आप एक क्विक रीड इसको दे सकते हैं अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू सेकेंड अगेन हेल्थ मिनिस्ट्री आइडेंटिफाइजी डिस्ट्रिक्ट एज रेड ज़ोन्स तो जोनिंग करी है गवर्नमेंट ने जोनिंग थ्री कलर्स में करी है रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सो बेसिकली क्या क्राइटेरिया फॉलो करा है किस बेसिस पे जोनिंग करी है इसमें थोड़ा सा बेसिक्स उसके बारे में दिया है अगेन नॉट रिलेवेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्सट जस्ट नो अबाउट द थिंग्स यू कैन है लुक एट इट अगेन नॉट रिकमेंडेड Now let's move on to the next page, guys. Second page में generally हमें कभी भी कुछ देखने को नहीं मिलता है because ये city specific news होती है, region specific news होती है, तो हम इसे skip कर देंगे. Third again हम skip कर देंगे, ये भी regional है, कुछ खास हमें इसमें मिलता नहीं है. Fourth से भी हम कुछ खास extract नहीं कर सकते हैं from the exams point of view, so we'll uh, skip it. Now coming on to the fifth page. फिफ्थ पेज में वी हैव टू न्यूज़ फॉर यू वन इज़ फ्रॉम द प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ये वाली जो न्यूज़ है वो प्रिलिम्स परस्पेक्टिव से है और एक न्यूज़ है नीचे दिस इज फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू अब ये कैसे प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है कैसे मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से है क्या है इसके बारे में बेसिक्स थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं सो दिस न्यूज़ इज नो पॉम्प गेटी एट त्रिसूरपुरम दिस ईयर तो त्रिसूरपुरम इज एन एनुअल हिंदू फेस्टिवल जो कि केरल में होता है और ये पूरम के दिन होता है इसीलिए इट इज वर्ड हैज बीन यूज इन दिस फेस्टिवल सो ये पूरम के दिन होता है पूरम एक स्टार है सो so वो एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर डे में आता है तो उस दिन ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हिंदू ने प्रोवाइड करी है यहाँ पे बट मेरा सजेशन पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि

तो गाइज़ मेरा सजेशन ये है कि जो आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है एडिशन इन देंस जो द हिंदू में अवेलेबल नहीं है वो आप जॉट डाउन कर लीजिएगा एक जगह उसका स्नैप ले लीजिएगा और उसको आप अटैच कर लीजिएगा ओरिजिनल क्लिपिंग के साथ जहाँ पे भी आप उसको सेव करेंगे सो गाइज लेट्स गेट बैक टू आर पेपर कमिंग ऑन टू दिस न्यूज एडोप द कोबरा फॉर रुपीज टू थाउजेंड एंड एन एलिफेंट फॉर रुपीज वन पॉइंट सेवन फाइव लैख बनेरगटा बायोलॉजिकल पार्क है जो की बनेरगटा नेशनल पार्क के अंदर ही आता है उसने एक स्कीम निकाली है एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है प्रोग्राम नॉर्मल पीपल हैं वो वाइल्ड एनिमल्स को अडोप्ट कर सकते हैं फर्स्ट इज टू क्रिएट अवेयरनेस देशन दैट इज टू बूस्ट द कॉन्जरवेशन रिलेटेड एक्टिविटीज एंड द थर्ड इज टू जनरेट रेवेन्यू ऑल दो रेवेन्यू जनरेशन इनका मेन फोकस नहीं है बट स्टिल जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो इवेंचुअली कॉन्जर्वेशन एक्टिविटीज में लगाया जा सकता है सो हाउ विल यू यूज इट इन द मीन्स जीएस थ्री एनवायरमेंट सेक्शन में जब भी आपके सामने कोई ऐसा एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपने एग्जाम्पल पुटअप करना है रिगार्डिंग द इनोवेटिव स्कीम्स और आइडियाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज तो आप इसको बहुत अच्छे से बहुत इजीली आप इसको कोट कर सकते हैं वहां पे लाइक दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम शुड बी रेप्लीकेटेड एलर इन इंडिया टू जनरेट अवेयरनेस फॉर बूस्टिंग कंजर्वेशन एक्टिविटीज एक्सेट्रा एंड नाउ मूविंग ऑन टू सिक्स्थ पेज आज हमें बेसिकली दो एडिटोरियल देखने हैं इन टोटो एक एडिटोरियल है और एक लीड है थर्ड वन इज दिस वन जिसे हम पूरी तरीके से नहीं देखेंगे बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट है विच आई लेट यू नो लेटर ऑन सो लेट्स डील विद द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ द डे इट्स अबाउट फूड न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस एडिटोरियल इज इट हैज़ बीन ऑथर्ड बाय एम एस स्वामीनाथन एम एस स्वामीनाथन जब भी एडिटोरियल लिखते हैं जब भी आर्टिकल लिखते हैं वो एग्जाम्पल्स का बहुत इफेक्टिव यूज करते हैं तो उनके आर्टिकल्स में से हमें वही एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली डील करता है प्रॉब्लम्स ऑफ फूड न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी को जो प्रेजेंट पेंडेमिक में हाईलाइट हुई हैं सो so, स्वामीनाथन जी ने ये आर्टिकल को तीन डायमेंशन में ब्रेक किया है द फर्स्ट डायमेंशन इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड द सेकेंड डायमेंशन इज एक्सेस टू फूड एंड द थर्ड डायमेंशन इज एब्सॉर्पन ऑफ फूड तो हम डायमेंशन को बहुत ब्रीफ में देख लेते हैं एक बारी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड में उनका यह कहना है कि करेंट चैलेंजेस क्या फेस किए हैं फार्मर्स ने जिसके कारण अवेलेबिलिटी पे फक्ट आया है सो so, जो चैलेंजेस है, हाँ हैं like seeds, uh, pricing, जो है, वो उन्होंने बहुत ब्रॉडली यहाँ पे मेंशन किए हैं लाइक लेबर शॉर्टेजेस, इनपुट सीड्स द इनपुट्स एंड सीड्स बोथ हैव गॉट एक्सपेंसिव आर अन अवेलेबल मार्केटिंग अरेंजमेंट्स इन एडिकुएट पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉन रेमुनेरेटिव प्राइजिंग एंड सप्लाई चेंस जो हैं वो फंक्शनल नहीं हैं उनके लिंकेजेस प्रॉपर नहीं हैं सो so, इन चीज़ों के कारण अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं मतलब प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं सेकेंड uh, थिंग वो कहते हैं अबाउट द एक्सेस टू फूड इसमें ये बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है जो भी प्रोड्यूस हुआ वो हुआ उसको एक्सेस कैसे करना है अब सो so, uh, इन्होंने गवर्नमेंट के दो इनिशिएटिव्स को यहाँ पे हाईलाइट किया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीडीएस तो गवर्नमेंट जो है वो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है एंड ही सजेस्ट कि इन दो इंस्ट्रूमेंट्स को फर्दर स्ट्रेंदन किया जाए और फूड बास्केट को वाइडन किया जाए अभी होता क्या है एन और पी में फाइबरस डाइट को ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है न्यूट्रिशन को एम्फेसिस नहीं दिया जाता है सो वॉट ही द फूड बास्केट एंड इंक्लूड पल्सेस ऑयल एंड मिलेट इन नेट तो पल्सेस इंक्लूड करके आप उसमें न्यूट्रिशनल कंपोनेंट भी एड ऑन कर रहे हो और इससे होगा क्या इससे जो हिडन हंगर है वो प्रिवेंट होगी हिडन हंगर इज व्हाट विच इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इट हैज बीन मेंशन आउट हियर फिर उनका ये कहना है कि लाइफ साइकिल अप्रोच को अडॉप्ट किया जाए लाइफ साइकिल अप्रोच बेसिकली एक चाइल्ड की लाइफ साइकिल पे डिपेंडेंट है जैसे चाइल्ड एक बर्थ होता है एक चाइल्ड का फिर वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी और उसके मदर की वो कैसे स्टेजल उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाए जाए और उसे हम स्टेज वाइज जो है सेटिस्फाई करें सो गाइज दीज आर दी की वर्ड्स विच आर मार्क्ड इन यू नो ग्रीन ये जो वर्ड्स हैं ये आपको एज इट इज रिप्रोड्यूस करने हैं ये एग्जाम्पल्स हैं ये की वर्ड है ये आपको याद रखने हैं आप लाइफ साइकिल अप्रोच हिडन हंगर इस टाइप के टर्म्स अपने आंसर्स में यूज करेंगे सो योर आंसर्स विल लुक लुक मोर इफेक्टिव एंड दे वोंट यही चीजें हैं जो आपको मार्क्स ला के देंगी न थर्ड थिंग वो जो कहते हैं कि एक्सेस टू फूड में गवर्नमेंट का तो ये रोल हो गया कि भैया उनके पास दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसमें आपको वाइडन करना है बट द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ दिस डायमेंशन इज जॉब सिक्योरिटी कि जो लाइवलीहुड अब उनका क्या किया जाए उनको वेज कहाँ से मिलेगा तो उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ही सजेस्ट कि आप वैल्यू एडिशन प्राइमरी प्रोडक्ट्स में करो एनश्योर वैल्यू एडिशन टू प्राइमरी प्रोडक्ट्स तो कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हैं लाइक राइस बायो पार्क इन म्यन्मार जहाँ पे स्ट्रॉ uh, ब्रैंड और एंटायर बायोमास आर यूटिलाइज वहाँ पे जीरो वेस्टेज पॉलिसी है तो इस तरीके से वैल्यू एडिशन हो रहा है एक्स्ट्रा लेबर का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और प्रोडक्शन uh, की एफिशिएंसी भी बढ़ रही है अमूल मॉडल उन्होंने सजेस्ट किया है और उन्होंने एक हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में बताया है कि ये इसमें विमेन जो है वो uh, बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है सो so, अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर को थोड़ा भी बूस्ट देते हैं तो जो वेमेन है जो एक मेजर कोहट है हमारे पॉपुलेशन का उन्हें भी कैसे बूस्ट मिलेगा उन्हें कैसे अपनी लिविंग वेजेस मिल सकेंगी तो वैल्यू एडिशन पे उन्होंने काफी फोकस करा है और वो कहते हैं कि एक्सेस टू फूड इज इम्पोर्टेंट इन बोथ द एस्पेक्ट्स, दैट इज गवर्नमेंट हैज वन रोल टू प्ले बट द सेकेंड पार्ट इज द वैल्यू एडिशन विच टू बी डन इन द प्राइमरी प्रोडक्ट्स तो थर्ड थिंग वो कहते हैं अबाउट एमजी नरेगा उनका यह कहना है कि एम जी नरेगा जो अभी तक चल रहा है उसको स्ट्रेंदन करने की जरूरत है नाउ ही एम्फेसाइजेज अपॉन द डेफिनेशन ऑफ द दी नरेगा एम जी नरेगा में अभी तक सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड वर्कर्स को फार्म्स एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क्स में एम्प्लॉय किया जाता था जो ऑथर हैं वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉड करें और उसमें स्किल्ड लेबर को भी इंक्लूड करें तो इससे डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी तो थर्ड डायमेंशन इस एडिटोरियल में बात हुई है जिसके बारे में विच इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड तो अवेलेबल हो गया एक्सेस भी कर लिया अब उसे एब्जॉर्ब कैसे करेगी हमारी ह्यूमन बॉडी सो एब्जॉर्प्शन इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन दी सैनिटेशन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विच शुड बी क्लीन ऑब्वियसली एंड ऑल दीज थिंग्स आर डिपेंडेंट अपॉन दी कैपेसिटीज ऑफ लोकल पंचायत और अदर लोकल बॉडीज तो इनका इफेक्टिव और स्ट्रेंद होना बहुत जरूरी है तभी एब्सॉर्पन ऑफ फूड जो है वो इफेक्टिव होगा कमिंग ऑन टू दियल सेल दैट वी है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये आपके इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बूस्ट करता है तो कैसे करता है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं अभी रिसेंटली आई ने रिलीज किया था आई मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसने रिलीज uh, किया था अपना डेटा और इसने भी बताया था 6.5 परसेंट से आउटपुट में कंट्रैक्शन हुआ है और ये जो कंट्रैक्शन है ये शार्पेस्ट कंट्रैक्शन है सिंस 2012 सो द अंडरस्टैंडिंग ियल डॉन मार्च में इम्प्लीमेंट हुआ इम्प्लीमेंट तो हुआ ये जो डेटा है आई आई पी का ये मार्च का है अब लॉकडाउन जब एक ही हफ्ते था मार्च में उसके बाद इतना ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन देखा गया सो so, अगर लॉकडाउन कंटिन्यूड रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन किस लेवल का होगा और उसका डैमेज पूरी इकोनॉमी पे कितना होगा वी ऑल कैन इजीली अज्यूम अब इसमें जो मेजर कंसर्न्स हाईलाइट करी हैं वो इसके अलावा ये हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और स्टील प्रोडक्शन जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन सब्सटैशियल हुआ है सेवन पॉइंट टू परसेंट एंड थर्टीन परसेंट और बेसिकली ये डिमांड साइड से हुआ है तो डिमांड साइड से क्यों हुआ है ये बहुत इजी है गेस करना बिकॉज कमर्शियल एक्टिविटीज सारी बंद हो गई थी तो कमर्शियल एक्टिविटीज सारी बंद हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम हो गया और स्टील का प्रोडक्शन कम हो गया बिकॉज ऑब्वियसली जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं जो स्टील प्रोड्यूस होने के बाद उसे कंज्यूम करती हैं वो भी शट डाउन रही हैं देन अगेन पावर सेक्टर की हम बात करते हैं पावर सेक्टर में स्लम्प देखा गया है अब इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होने वाला है बिकॉज पावर सेक्टर दो इट हैज बीन एग्जेम्प्टेड लॉकडाउन में ये एग्जेम्प्टेड रहा है बट डिमांड तो कम हुई ना हमने ऊपर देखा इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस हुई तो उसका कंजप्शन वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पावर सेक्टर पे भी पड़ेगा क्योंकि डिमांड तो ओवरऑल ही कम हुई है तो डिमांड जब कंज्यूमर साइड से स्पेशली फ्रॉम दी कमर्शियल एक्टिविटीज जब वहां से डिमांड कम हो गई तो जो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन पे तो असर आएगा ही, ही इस चीज का ऑलरेडी वो एन में बहुत बड़ा चंक प्रोवाइड करते हैं और इसके बाद उनका जो फाइनेंशियल क्रंचेज हैं वो बढ़ने ही हैं राइट right? एक कोल है जो एट कोर इंडस्ट्रीज में से एक लौता द ओनली वन टू स्टैंड अपराइट एंड विच हैज शोन अ पॉजिटिव फिगर दैट इज फोर परसेंट बट अगेन ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये भी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये जो फोर परसेंट है ये अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है फेबररी में इलेवन परसेंट था पिछले साल मार्च में नौ परसेंट था और अभी सिर्फ और सिर्फ चार परसेंट है और जैसे जैसे आगे का जो सी ऑल थिंग्स आर अप दे मूव इन अ लीनियर वे आर लिंक्ड लीनियर तो जैसे आप ये समझो कि पावर सेक्टर की जो डिमांड है कि जो पावर की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो रही है पावर का इनपुट है कोल कोल भी कम लगेगा अगर ये और रिड्यूस हुई ये भी और रिड्यूस होगा तो धीरे धीरे ये भी नेगेटिव टेरिटरी में जा सकता है अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल की ताइवान कोरोना वायरस प्रोटोकॉल शोज हाउ इट इज डन बेसिकली एक सेल्फ अप्रेजल है जो कि ताइवान के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने लिखा है अबाउट द स्ट्रेटेजी अप्लाइड बाय द ताइवान टू डील विद द कोरोना वायरस पैंडमिक तो इसमें पढ़ने की इसको कुछ खास जरूरत नहीं है आप बस इतना ध्यान में रखो कि ताइवान एक वो कंट्री है जिसने इसको बहुत इफेक्टिवली डील अ सक्सेसफुल मॉडल क्या करा ये आप बस एक दो वो में रख लो. इसके साथ साथ कुछ कंट्रीज और हैं जो कि है साउथ कोरिया सिंगापुर आप इनको भी कोट कर सकते हो अलोंग विथ ताइवान इसने क्या करा बेसिकली ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है कुछ खास नहीं है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन थोड़े इसने इफेक्टिव करे टाइमली uh, करे और प्रोएक्टिवली करे तो उसका जो आउटपुट आया वो डेफिनेटली पॉजिटिव आया एक अच्छा आउटपुट आया जिसके कारण वो अपने केसेस पे कंट्रोल कर पाए तो ये कुछ चीजें हैं ये आप रीड आउट कर लीजिएगा क्विक रीड इज रिक्वायर्ड आउट ईयर ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है गायस मूविंग ऑन टू पेज नंबर एट पेज नंबर एट में सिर्फ एक न्यूज है जो ऑलो इट इज पॉलिटिकल इन नेचर बट स्टिल आई हैव स्टिलेक्टेड इट महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन न्यूज नेट विल एक्सट्रैक्ट इज द कंटेंट दिच इज टू बी यूज बाय अस और वो क्या है वो हम देख लेते हैं आपको सीएम का नाम याद नहीं रखना है आपको स्टेट का भी नाम याद नहीं रखना है आप बस इतना याद रखिए कि एक स्टेट है उसमें जो सी एम है ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल विच दो इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिटेड बट ओनली फॉर सिक्स मंथ्स छ महीने तक बिना एम एल ए या एम एल सी बने आप सी एम रह सकते हो लेकिन छ महीने बाद या तो आप अपनी कुर्सी खाली करोगे या आपको इलेक्शन जीत के वापस आना पड़ेगा अब हुआ क्या कि छ महीने हो गए और जो सी एम है वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं बिकॉज इलेक्शन हो ही नहीं सकते कोरोना वायरस चल रहा है और कोरोना वायरस महाराष्ट्र में पीक पे है सबसे हाईएस्ट है तो इलेक्शंस कैसे होंगे वहां पे? लेकिन ई ने बोला है कि हम वहां पे इलेक्शंस करवाएंगे अब आप डेट्स पे ध्यान दीजिए अगर आप डेट्स देखेंगे तो इलेक्शन एक दिन पहले होंगे उस दिन से जिस दिन सीएम की लास्ट डेट होगी उस ऑफिस में बैठने की मतलब मतलब ऑफ ऑफ को सीएम सीएम नहीं रहेंगे बिकॉज़ ही इज नॉट अ मेंबर द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल तो इलेक्शंस ट्वेंटी सिक्स को ही करवाए जा रहे हैं सो यू कैन सी आउट हेयर हाउ द थिंग्स आर यू नो हाउ थिंग्स गो और how यू हैव टू यूज इट इज इम्पोर्टेंट सो दिस कैन बी used as एन example टू डाउट autonomous फंक्शनिंग ऑफ ECI now we नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 9 नाइन यहाँ पे अगेन सिर्फ एक न्यूज है आज एक्नोमिस्ट कॉल फॉर अर्बन जॉब्स की ये जो बेसिकली आर्टिकल है ये बोलता है कि कुछ प्रोमिनेंट एक्नॉमिस्ट हैं हमारे कंट्री के तो इन्होने भी कुछ सजेशंस दिए हैं रिगार्डिंग एम नरेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेंडेमिक सो so, हम वो सजेशन देख लेते हैं पहला सजेशन इनका ये है कि आप जो फंडिंग है उसको इंक्रीज कर दो वन लाख करोड़ से तो सिंपल है आप फंडिंग ज्यादा दोगे तो जॉब ज्यादा क्रिएट होंगी वेजेस टाइमली जाएंगी ज्यादा जाएंगी और खाना खा पाएंगे लोग सेकेंड इनका सजेशन है कि जो हंड्रेड डेज का जो आप एम्प्लॉयमेंट देते हो अंडर एम नरेगा उसे आप एक्सटेंड करके ईयर अराउंड कर दो उस पर हंड्रेड डेज का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो ताकि जिसको जब तक काम करना है वो तब तक काम कर सके और उसे पैसा मिलता रहे फिर इनका एक सजेशन है कि जो एम जी नरेगा का जॉब कार्डस होते हैं यू शुड डू अवे विद डैट तो जॉब कार्ड्स की जगह यू डू वन थिंग कि आप रजिस्ट्रेशन ऑन साइट ही करो और जो भी आता है आप उसे ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करके काम दे दो तो ये जो हर्डल्स क्रिएट करते हैं जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ही हैं ये सारे तो ये ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे Uh, फिर इनका सजेशन ये है कि जो भी आप वेज प्रोवाइड करते हो वो आप कैश में करो कैश में इसलिए करो बैंक ट्रांसफ़र इसलिए मत करो बिकॉज बैंक्स वैसे ही नहीं खुल रही हैं रूरल एरियाज़ में बैंक्स को एक्सेस करना इज़ नॉट इजी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स जो हैं रूरल एरियाज़ में वो भी रिस्क पे होंगे और वो और जो लोग हैं वो भी रिस्क पे आ सकते हैं सो इट्स बेटर कि सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन रहे और कैश में पेमेंट uh, उनको हो जाए फिर उन्होंने कहा है कि जो बायोमेट्रिक बेस्ड पेमेंट सिस्टम है यू शुड अवॉइड दैट बिकॉज बायोमेट्रिक पेमेंट सिस्टम्स में टेक्नोलॉजिकल एचेस तो आते ही हैं साथ में ये भी देखने को मिला है कि लेबर्स के यू नो फिंगरप्रिंट्स चेंज हो जाते हैं तो वो बायोमेट्रिक एक्सेस नहीं कर पाते हैं तो उनको उस कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तो इस सिचुएशन में ये द ग्रुप ऑफ ये सजेस्ट करते हैं कि यू शुड मेक थिंग्स एज सिंपल एज यू कैन जब भी इंडिया में रूरल डेवलपमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को डील करने की बात हो तो आप इनमें से सजेशंस को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं इसीलिए ये सजेशंस जो हैं जैसे पांच छह सजेशंस हैं अगर आपके दिमाग में दो तीन भी रह जाते हैं तो मोर देन सफिशियंट है एक पहले हमने एम एस स्वामीनाथन जी का भी सजेशन डिस्कस करा था अगर वो भी आपके दिमाग में रह जाता है तो वो भी बहुत अच्छा सजेशन था कि डेफिनेशन को का जो स्कोप है वो आप करो uh, नेक्स्ट हम देखते हैं पेज नंबर टेन यहाँ पे कुछ खास नहीं है सो विल स्केप इट पेज नंबर 11 में गाइस दो न्यूज़ है जिन्हें हमें uh, डील करना है पहली है कुवैत ऑफर्स टू एयरलिफ्ट स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजंस इस न्यूज़ को आप कल की न्यूज़ से डेफिनेटली लिंक करिएगा कल की मतलब एक ओमान की न्यूज़ थी फर्स्ट ऑफ मई को जिसमें अबाउट इंडियन डायस्पोरा बताया गया था कि इतने एट लैक जो हैं वो ओमान में फंसे हुए हैं और उनको इवेक्एट करने का इंडिया प्लान कर रहा है और अब कुवैत भी आ गया कुवैत ने इंडिया को ऑफर किया है कि आप एयरलिफ्ट कर लो तो ये जो चीजें हैं ये अगेन हम एग्जाम्पल्स की तरह यूज करेंगे जब भी इंडिया और मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात होगी कितना इंपॉर्टेंट है कि इन कंट्रीज के साथ रिलेशन डेवलप करना एक हारमोनी बना के रखना डिस्पाइट नॉट बीइंग एन इस्लामिक नेशन सिर्फ रिलेशन ही नहीं रिलेशन के साथ साथ इंडियन डायस्पोरा भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आपको पता होना चाहिए कि इंडियन डायस्पोरा कहाँ है कहाँ कितना ज्यादा है उसका रोल क्या है और इंडिया कैसे उसको ट्रीट करता है स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ डिजास्टर एपिडेमिक्स लाइक दिस और वो कंट्रीज कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं तो यहाँ पे रीजनल टाइप भी इंपॉर्टेंट हैं और इंडिविजुअल बायोट्रल टाइप भी इंपॉर्टेंट है जो इंडिया को मेनटेन करने हैं जब भी कुछ रिलेशन की बात हो तो ये सारी चीजें हैं जो आपको वहां पे मेंशन करनी है तो so पे एक और न्यूज है अबाउट द बी सी जी वैक्सीन विज दैट डब्ल्यू एच ओ रेज कंसर्न ओवर यूज ऑफ बी सी जी वैक्सीन बी सी जी वैक्सीन जो है वो ट्यूबर को ट्रीट करने में काम में आती है ऐसा एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है जहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के थ्रू बी सी जी का यूज़ किया गया है वहाँ पे कोरोना वायरस जो है उसका स्प्रेड उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं है जितनी बाकी जगहों पे है जहाँ पे बी सी जी का इस्तेमाल नहीं किया गया है सो ये पैटर्न जनरली देखने को मिल रहा है और इस पर स्टडीज़ चल रही हैं तो यहाँ पर बेसिकली फाइव रीजन इन लोगों ने बताए हैं डब्ल्यू एच ओ ने और जो भी उस पर रिसर्चेस कर रहे हैं तो ये फाइव रीजंस हालांकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट अगर आप पढ़ना चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जैसे फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करता है कोई एविडेंस नहीं है कि बी के कारण ऐसा हो रहा है मतलब इट इज नॉट इट हैज़ नॉट बीन साइंटिफिकली स्टेब्लिश्ड और सो ऐसा पैटर्न सिर्फ एक ऑब्जर्व किया गया है सो गाइज दिस इज इट आज वर्ल्ड में कुछ खास न्यूज़ नहीं है जो हमारे काम आ सके अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल ही है तो हम इसे छोड़ सकते हैं एक यहाँ पे एक कॉमन रीजनल स्ट्रेटेजी की बात करी गई है दिस इज द ओनली कीवर्ड ये एक कीवर्ड आपको यूज करना अब स्टार्ट करना है जब भी बात हो अबाउट द रीजनल कोऑपरेशन जब भी बात हो बिम्स्टिक जब भी बात हो सार्क की तो आपको ये वर्ड यूज करना है कि अब जरूरत है इस रीजन को मतलब साउथ एशियन रीजन को एक कॉमन रीजनल स्ट्रेटेजी की सो गाइस वी द हिंदू आउट हेयर और हम इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के जो आज इम्पोर्टेंट हैं उन पे एक फटाफट से एक नजर मार लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस में गाइस एक आर्टिकल है सेल्फ आइसोलेटेड इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है बट एक दो फ्रेज हैं एक दो इन्होंने जो डेटा प्रोवाइड किए हैं वो काफी इम्पोर्टेंट है विच कैन बी यूज बाय इन मेनी एक्सपेक्ट एट मेनी प्लेसेस मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट ने स्टेट को ओवरटेक करा ये हम सबको पता है। ऐसे ही हेल्थ सेक्टर में भी देखने को मिला कि हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट हेल्थ केयर बहुत तेजी से पब्लिक हेल्थ केयर को बीट करते हुए आगे गया और कुछ डेटा इन्होंने सब्सटैंशिएट करने के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया है इन्होंने कहा है कि प्राइवेट हेल्थ केयर ओज ऑलमोस्ट थ्री आउट ऑफ फोर हॉस्पिटल बेड मतलब अगर देश में चार हॉस्पिटल बेड है तो उसमें से तीन हॉस्पिटल बेड प्राइवेट सेक्टर के पास है तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का कितना डोमिनेशन है हेल्थ केयर सेक्टर में इंडिया में ऐसे ही उसने एक और एग्जांपल दिया है अबाउट वेंटिलेटर्स कि अगर इंडिया में दस वेंटिलेटर हैं तो आठ वेंटिलेटर प्राइवेट के पास है अब डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ डोमिनेशन इन हेल्थ केयर सेक्टर प्राइवेट प्लेयर्स है ड्यूरिंग दिस एपिडेमिक तो यहाँ पे एक एक क्वेश्चन राइज हुआ है की क्या पॉलिसी मेकर रिवैल्यू करना चाहिए प्राइवेट वर्सेज पब्लिक हेल्थ केयर की डिबेट को सेकेंड जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के सो so, ये आरोग्य सेतु एप के बारे में है और ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है तो ये आपके काफी सारे डाउट एक्सपंच करता है एंड प्लीज रिमेम्बर गाइज आरोग्य सेतु बहुत इम्पोर्टेंट बन चुका है ये प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें काफी सारे डायमेंशन हैं तो गाइस अगर हम इसे मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें काफी सारी डायमेंशन को इंक्लूड करना पड़ेगा जिसमें प्राइवेसी भी आएगी स्टेट सर्वेलेंस भी आएगा डेटा सिक्योरिटी की बातें भी आएंगी एंड लाइक वाइज हमें एक ब्रॉडर डायमेंशन के साथ इस टॉपिक को डील करना है तो दिस इज इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ब्रीफ में हम देख लेते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बताया है तो आरोग्य सेतु एक ऐप है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने बनाया है और गवर्नमेंट इसे रोल आउट कर रही है और काफी ज्यादा पुश कर रही है So, आरोग्य सेतु एप इज बेसिकली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप बेसिकली ये जीपीएस कोऑर्डिनेट्स यूज करता है ब्लूटूथ डेटा का यूज करता है और अकॉर्डिंगली इट मेक्स असेसमेंट ऑफ देयर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन देयर मतलब जो भी इसके यूजर्स हैं उनका रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो असेस करके बताता है uh, अब क्या और बाकी कंट्रीज भी ऐसी ऐप्स यूज कर रही हैं सो डेफिनेटली काफ़ी सारी कंट्रीज इसको यूज कर रही हैं इनफैक्ट इंडिया ने जो ये आइडिया लिया है वो सिंगापुर से बोरो किया है फी कंट्रीज ने सक्सेसफुली इस एप को इम्प्लीमेंट करते हुए अपना जो ग्राफ है जो कर्व है कोरोना वायरस के uh, इन्फेक्शन का उसे फ्लैटन किया है सो दट इज हाउ बिकम इम्पॉर्टेंट अभी हम देखते हैं कि और कहाँ पे एप्स हैं, तो बेसिकली चाइना में है इटली में है जर्मनी में है और uh, मतलब इटली और जर्मनी इन्हें डेवलप करवा रही है अभी वहां पे आई नहीं है ये ऐप्स बट दीज कंट्रीज आर एक्टिवली परसूइ इट और लेटर और हमें देखने को मिलेगा इसराइल में है ये ऐप जैसे यहाँ पे है so इसराइल में है यूके में है राइट right? तो इंडिया में भी ये एक ऐप है और इसमें हमें ये भी देखना है कि कुछ जगह पे ये ऐप प्राइवेट ने डेवलप करी है और कुछ जगह गवर्नमेंट ने डेवलप करी है तो इंडिया एक ऐसा केस है जहां पे गवर्नमेंट ने करी है प्राइवेट ने नहीं करी है जो मेजर इश्यूज़ हैं जो इसके अराउंड आते हैं वो बेसिकली प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आते हैं सबसे मेजर पॉइंट ये कहा जाता है कि इंडिया के पास कोई भी प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है इन स्पाइट ऑफ दैट गवर्नमेंट इज मेकिंग मैंडेटरी टू इंस्टॉल दिस काइंड ऑफ एप्स विच कैन बी यूज बाय द स्टेट फॉर सर्वेलेंस परपसेज क्योंकि आपके पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ तो है नहीं प्राइवेसी लॉ तो है नहीं और आपने प्राइवेसी नॉर्म्स भी जो हैं वो इस ऐप में जो टर्म्स एंड कंडीशंस में जो प्राइवेसी पॉलिसी आती है वो भी आपने बहुत वेग कंस्ट्रक्ट करी है उसमें भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है जैसे कि हम यहाँ पे एक पॉइंट देखते हैं कि आरोग्य सेतु कलेक्ट्स अ सिंगल ब्लैंकेट कंसेंट फ्रॉम द यूजर सिंगल ब्लैंकेट कंसेंट का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार ऐप को अपनी परमिशन दे दी तो वो फर्दर उसे कुछ भी डेटा चाहिए होगा कुछ भी एक्सेस चाहिए होगा तो वो बार बार आपकी परमिशन नहीं लेगा वंस यू हैव परमिटेड इट इट विल बाय इट सेल्फ यूज और यूटिलाइज वॉट एवर इट वॉन्ट्स टू फंक्शन तो ये प्राइवेसी पॉलिसी को काफी ज्यादा अफेक्ट करता है बिकॉज इसका बिकॉज इसका इन फ्यूचर मिस भी हो सकता है तो कुछ वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट हुए हैं कि जैसे आइसलैंड में ये कहा है कि जो भी फ़ोन नंबर स्टोर हुए हैं वो डिलीट हो जाएंगे अपने आप जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ओवर हो जाएगा और जो सिंगापुर uh, में है ट्रेस uh, टुगेदर ऐप जिससे आरोग्य सेतु एप ली गई है बेसिकली जो सोर्स कोड हमने लिया है ऐप का वो इसी एप से लिया है उसमें जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं वो डिफरेंट हैं अब इंडिया में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जैसे आइसलैंड में है ऐसा कोई टर्म्स नहीं है कि हम अपने आप डिलीट कर देंगे यहाँ पे साफ मेन्शन है एज यू कैन सी ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी रिटेन फॉर एज लॉन्ग एज योर अकाउंट रिमेन्स इन एक्जिस्टेंस जब तक आपका अकाउंट है तब तक आपका डेटा मेंटेन रहेगा हालांकि ये डेटा गवर्नमेंट सर्वर पे ही है कोई प्राइवेट सर्वर पे नहीं है इंडिया में बट स्टिल हमारे पास क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन लॉज नहीं है प्राइवेसी प्रोटेक्शन लॉज नहीं है तो देर इज रिस्क कि वो डेटा सिक्योर ना हो अब आप यहाँ देखिए कि आरोग्य सेतु स्टार्टेड ऑफ एज अ एजेंटरी एक्सरसाइज ये एक वॉल्ट्री था इसको मैंडेटरी नहीं बनाया गया था स्टार्टिंग में ये बाद में मैंडेटरी बनाया दिया गया है विदाउट हैविंग प्रॉपर प्रोटेक्शन लॉज सो दिस इज वॉट इज ऑफ ग्रेट कंसर्न और अगर हम इस ऐप के सक्सेस की बात करें हम इसे एप्लीकेशन की बात करें तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं वाई द गवर्नमेंट इज मेकिंग इट मैंडेटरी द बेसिक थिंग तो इसके सपोर्ट में भी हमारे पास एक पॉइंट है काफी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे Uh, वो ये कहता है कि अनलेस हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री डाउनलोड्स द कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप द इंटेंडेड आउटकम विल नॉट बी अचीव्ड। ये ऑब्वियस है आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बेसिकली असेस करने की कोशिश कर रहे हो एक ऐप के थ्रू अनलेस यू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन दैट ऐप हाउ विल यू एबल टू इस्टेब्लिश अफेक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग

कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का अगर इफेक्टिव यूज करना है तो उसे डेटा ज्यादा चाहिए तो इसीलिए इसको मैंडेटरी यूज किया किया गया है सो so, अगर प्राइवेसी कंसर्न का सिर्फ ख्याल रखा जाए जाए और फिर इसे परस्यू तो इट कैन बी अ गुड गायस आप इसे ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट आरोग्य सेतु और आगे भी जो भी आर्टिकल्स आरोग्य सेतु प्राइवेसी इससे रिलेटेड आएंगे उसे हम एक ही जगह पे रखेंगे दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस फॉर यू गायस और एक लास्ट न्यूज हमारे पास पीआईबी की है आज आप लोगों के लिए सो लेट्स हैव अ लुक एट इट एज वेल ओके सो दिस इज द न्यूज दैट वी हैव फॉर यू फ्रॉम द पीआईबी किसान सभा ऐप टू कनेक्ट फार्मर्स टू सप्लाई चेन एंड फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च बाय सी एस आई आर एक किसान सभा ऐप लॉन्च हुई है सो देर इज समथिंग अबाउट इट विच इज इम्पोर्टेंट एंड विच यू मस्ट हैव इट विद यू बोथ इन माइंड एज वेल एस एन योर नोट्स तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं तो जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि कोविड के सिचुएशन में फार्मर्स को काफी प्रॉब्लम हो रही है कि जो उनका हार्वेस्ट है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहा है और फर्दर सोइंग के लिए उनको अपने जो रिक्वायर्ड इनपुट्स हैं हैं वो नहीं मिल रहे तो टू डू अवे ऑल सच प्रॉब्लम्स दिस किसान सभा एप हैज बीन लॉन्च बाय द सीएसआईआर ये बेसिकली करेगा क्या ये कनेक्ट करेगा फार्मर्स को सप्लाई चेन से सप्लाई चेन से फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन से ये सबको आपस में कनेक्ट करेगा सो

uh we expect you to comment your queries suggestions doubts in the comment section below have a great day guys thank you